अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन फ्राइड राइस, जो बहुत ही मज़े के होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन फ्राइड राइस बनाना। पैन में मैंने ऑयल लिया है 1.5 टेबल स्पून, और इसमें 2 अदद अंडे लिए हैं मैंने, और इसको मैंने फेंट लिया है, वो डाल दूँगी। अंडों को इस तरह से पका लेना है हमने, साथ साथ इस तरह से पीसेस कर लेने हैं छोटे छोटे पकाते हुए। इसे निकाल लेंगे हम यहाँ पर पैन में। अब मैं डालूंगी 3 टेबल स्पून ऑयल, लहसुन लिया है मैंने 6 से 7 जवे लिए और इसको बारीक चॉप कर लिया है, वो डाल दूंगी। लहसुन को 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे हम। बोनलेस चिकन लिया है मैंने 250 ग्राम, और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए क्यूब्स की शेप में, वो डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। चिकन को कलर चेंज होने तक मैंने पकाया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिल्ली गार्लिक पेस्ट, 1/2 कर लेंगे। कवर कर देंगे और 2 मिनट पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट पकाया है इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर चिकन को, और देखिए इसका कलर भी कितना खूबसूरत सा हो चुका है। अब यहाँ पर मैं डालूँगी वेजिटेबल। तो वेजिटेबल में मैंने लिए ग्रीन ऑनियन लिए, उसका वाइट पार्ट से वो काट के डाल दूँगी इसमें। एक अदर शिमला मिर्च लिए, वो स्लाइस की शेप में काट लिए, एक अदर गाजर लिए, वो स्लाइस की शेप में काट लिए, डाल दूँगी। क्वार्टर पीस मैंने लिया है एक बंद गोभी का, और उसको मैंने स्लाइस की शेप में काट लिया है, वो डाल देंगे इसमें। मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब मैं वेजिटेबल मैंने मिक्स कर लिए चिकन के साथ। अब यहाँ पर मैंने काली मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून डालूँगी, वाइट मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक हसबे जायका। चिकन में जैसा कि मैंने नमक डाल लिया था तो वो मैंने थोड़ा सा ही डाला था, अब मैं वेजिटेबल के हिसाब से डाल रही हूँ तो थोड़ा सा और ज़्यादा कर रही हूँ मैं इसे। सोया सॉस 1.5 टेबल स्पून, सिरका 1.5 टेबल स्पून, मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर बासमती राइस ली है मैंने 1/2 केजी, और इसे मैंने 1/2 केजी राइस था तो 1 केजी मेरे 5 ग्लास मैंने पानी गर्म किया है, बॉईल किया है, उसमें मैंने 3 टेबल स्पून नमक और 1 टीस्पून सिरका डालकर इसको बॉईल कर लिया था, और लास्ट में मैंने 1/2 टीस्पून ऑयल डाल दिया था, और इसके बाद मैंने चावल को बॉईल कर लिया है। तो चावल को मैंने बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया, अब इसमें डाल दूँगी चावलों को। आखिर में मैं इस पर डालूंगी मटर। मटर मैंने लिए थे 1 कप के करीब, और इसको मैंने बॉईल कर लिया था, तो ये डाल दूंगी इसमें। अब इसमें मैं डाल दूंगी अंडा, जो मैंने आपके सामने कुक कर लिया था, वो डाल दूंगी इसमें। ऑमलेट साथ में मैं
ग्रीन ऑनियन के ग्रीन पार्ट्स जो है वो डाल दूंगी। एक से दो मिनट हम मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके दम पर रख देंगे चावल को। इसके बाद हम डिश आउट करते हैं। तो ये देखें, चिकन फ्राइड राइस हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल में हमने बनाए हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। तो मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो मज़ेदार से हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल में चाय चिकन फ्राइड राइस बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी को। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पहली मरतबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप समझते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।